हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं मावे के बहुत ही बेहतरीन लड्डू, जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी हैं। फ्रेंड्स, आप ये लड्डू किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली बनने वाले लड्डू हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मावा, और मावा हमारा भुना हुआ है, इसके लिए मैंने इसे भुना नहीं है। मैंने जहाँ से मावा ख़रीदा था तो वो भून कर रखते हैं, तो मैंने इसलिए ये मावा वहाँ से लिया है। अगर आपको भुना हुआ मावा नहीं मिलता है तो आप मावा लाकर उसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें, जिससे ये मावे के लड्डू ज़्यादा दिन तक सेफ रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच चिरौंजी और 2 चम्मच कटे हुए पिस्ते, और यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी में काजू और बादाम को कूट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, आप इसमें छुआरे डाल सकते हैं, और आप इसमें मूंगफली को कूट कर भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर दूध में मिक्स कर लिया था और मैं इसे इसमें डाल रही हूँ, जिससे इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद कितना बढ़िया इसका कलर हो गया है। अब हम इसमें कुछ सामग्रियाँ और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है देसी चीनी यानी खांड। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच देसी चीनी डाली है, क्योंकि मावा वैसे भी बहुत मीठा होता है तो हमें ज़्यादा मीठा लड्डू नहीं बनाना है। मैंने यहाँ पर देसी खांड का यूज़ किया है। अगर आपको देसी खांड मिल जाती है तो वो डाल दीजिए, क्योंकि देसी खांड उतना नुकसान नहीं करती जितना कि चीनी, और इन लड्डुओं को डायबिटीज़ के पेशेंट भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप नारियल का बूरा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इससे इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगेगा। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने देसी खांड में इलायची पाउडर ऐड कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो 4 चम्मच चीनी में 2-3 इलायची डाल दें और इसे पीस कर इस मिश्रण में डाल दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब ये मिक्सर लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर हाथ में ये मिश्रण ले लिया है और इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बना देंगे। इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है और इस तरह से लड्डू को तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर नारियल का बूरा लिया है और इसमें हम इसकी कोटिंग कर देंगे, तो ये लड्डू देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। इसी तरह हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस मिश्रण को किसी प्लेट या ट्रे में जमा कर बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप गुजिया बनाना चाहते हैं तो आप इसे फिलिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है, और अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आप इसे किसी भी त्यौहार में या जब भी मीठा खाना हो तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मावे के कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हैं। हमने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप इसे बच्चों को, बड़ों को दूध के साथ सुबह सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। आप इन लड्डुओं को त्यौहार में अपने मित्रों को, रक्षाबंधन में अपने भाइयों को खिला सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाले ये लड्डू हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।